जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं नितिन और प्रेम सर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। एसएसबी में 1656 पदों पर भर्ती आई है दोस्तों, और इसमें सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और अनेक मतलब एएसआई, हेड कांस्टेबल, चार से अधिक ही है पोस्ट, उन पर वैकेंसी है। और सबसे अच्छी बात यह है मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी है। कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें मांगी हैं, सारी चीजों को डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी का स्वागत है, वेलकम है जितने भी साथी क्लास में हमारे जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में ये आपकी बड़ी भर्ती आई है यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं भाई इस तरह, सर सपना होता है ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल सपना होता है कि यूनिफॉर्म को हमारे बॉडी पे सजाना, संभालना, स्टार्स लगवाना एक बंदे का सपना होता है सर। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट है 1656, कांस्टेबल की इसमें है 543, हेड कांस्टेबल की 914, एएसआई, एसी, पैरामेडिकल और स्टेनो में 88 पोस्ट है, और सब इंस्पेक्टर की है टोटल 111। तो टोटल पोस्ट है 1656 यहाँ पर। स्टार्ट एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 20 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिल होना, और लास्ट डेट है 18 तारीख अगले माह की। अच्छा, कई बच्चे फॉर्म लेट भरते हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा 20 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, तो एज सून एज पॉसिबल आप इस फॉर्म को भर दें। अभी थोड़ी देर के लिए आप हमारी बातों को सुनिए और थोड़ा सा इस इवेंट को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उन तक भी ये जानकारी चली जाए, फिर आपके भी हम लोग सवाल जवाब करेंगे आपसे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो 2023 है, और बेसिकली अलग अलग कैटेगरी के अंदर सर 2023 ईयर है मतलब, हाँ, और अभी पोस्ट है 1656 पोस्ट है इस साल के लिए रिक्रूटमेंट है। तो चलो आगे देखेंगे। एग्जामिनेशन फीस, इसकी जो आपकी लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की वो भी 18 तारीख है, और फॉर्म जमा करने की भी लास्ट डेट क्या है 18 तारीख है। ठीक है, और यहाँ पर एडमिट कार्ड अभी पता नहीं है एग्जाम कब होगा, जैसे ही एग्जाम होगा आपको बता दिया जाएगा, एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड आएंगे, और एग्जाम डेट भी अभी आई नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फीस है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट की कितनी है 100 रुपीज, एससी एसटी की कोई फीस नहीं है, और कोई भी महिला की भी कोई फीस नहीं है, मतलब गर्ल्स के लिए यहाँ पर फीस नहीं है, केवल जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मेल कैंडिडेट्स की फीस है मात्र 100 रुपए। ठीक है, पेमेंट मोड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल के बारे में मैं बता रहा हूं, एज रिलैक्सेशन अवेलेबल टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एज अंडर, तो यहां पर एज रिलैक्सेशन का दे रखा है, एससी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, कांस्टेबल में एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन यहां पर इन्होंने दे रखा है, ये तो नॉर्मली होता है। कांस्टेबल में आपका जो पुरुषों को रनिंग करनी पड़ेगी भाई यहां पर कितना, 4.8 किलोमीटर 24 मिनट में, तो यहां पर आपका लड़कों के लिए 24 मिनट में कांस्टेबल के लिए अगर आप जाते हैं 4.8 किलोमीटर की रनिंग है। अच्छा सर, एक साथ रिटिन के साथ साथ ना हम लोग क्या सोचते हैं, रिटिन क्वालिफाई हो जाएगा तो फिजिकल तो कर ही लेंगे, बिल्कुल, लेकिन ये एक मतलब गलत सोच होती है, जो बच्चा तैयारी नहीं करता है ना फिजिकल की, वो फिजिकल में आउट हो जाता सर, है। मेंटली फिट होने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही सर लगता है कि 24 मिनट में 4.8 किलोमीटर आसानी से हो जाएगी, लेकिन ये उसी के लिए आसानी से हो जाती है जो मेहनत करता है, डेली प्रैक्टिस करता है। तो आप रिटिन के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी अभी से ही करके रखे है ना, और लड़कियों को 18 मिनट में 2400 मीटर यानी 2.4 किलोमीटर की आपको यहाँ पर रनिंग करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कांस्टेबल चाहे कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ड्राइवर, टेलर, ये अलग अलग इसमें कांस्टेबल में कई सारे ये इन डिपार्टमेंट पोस्ट हैं जिसमें आपका अलग अलग वर्क रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर फॉर ऑल कैंडिडेट नॉट बिलोंगिंग 1, 2, 3, 4 बिलो, यहाँ पर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एक एक चीज आपको हम बता रहे हैं कि आप किस कितनी हाइट है तो आप कौन सा फॉर्म भर सकते हो। तो कांस्टेबल के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर अगर आप मेल कैंडिडेट है, आप मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का यहां पर एक्सपेंड मांगता है, फुलाव मांगता है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे स्पेशल थोड़ी सी छूट मिली गई है, अगर आप गढ़वालीज हैं, कुमाऊ हैं, डोगरा हैं, मराठास हैं, तो स्पेशल, क्योंकि इनका बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी देश की आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री सब में, यानी पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस के अंदर, तो स्पेशल इनको क्या दिया गया, छूट दिया गया पांच है। सेंटीमीटर का, मतलब अगर ये इनमें से कुछ हैं आप, तो 165 सेंटीमीटर की भी आपकी हाइट है तब भी आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए चेस्ट में भी थोड़ा कंपनसेशन है, 78 मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए इसमें 5 सेंटीमीटर का खुलाव। सेम गोरखा कैंडिडेट्स के लिए है ना, स्टेट अगर सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इनमें और हाइट में थोड़ा सा इनको और डिडक्शन है। यहां पर कितना, 162.5 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और इनके लिए चेस्ट में भी मिनिमम चेस्ट कितना, 77 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव है, ठीक है। यहां पर हाँ, फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द सिक्किम है, अगर आप एसटी से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, जो कि ज्यादातर ऐसी एरिया में रहते हैं जहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, सिक्किम, नागालैंड, तो अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इस एरिया से हैं आप, वहां की ट्राइब्स के अंदर आते हैं, तो आपको 160 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए, और अगर आपकी चेस्ट की बात करें तो 76 मिनिमम, मतलब और इनको एक्सपेंशन और ज्यादा इनको रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन दिया दिया गया है, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं, फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द एसटी अगर शेड्यूल ट्राइब से रिमेनिंग एरिया, बिल्कुल, मतलब अगर आप एसटी में आते हैं, एसटी वालों के लिए 162.5 आपका हाइट होनी चाहिए तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं मिनिमम। और इनका चेस्ट कम से कम कितना होना चाहिए, 76। तो यहां पर एक मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, अगर आप जर्नल में है, ओबीसी में, एससी में है, तो आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कम से कम। एसटी में है तो 162.5 होनी चाहिए। अगर आप एसटी सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय है ना, यहां से है, तो आपकी 160 भी हाइट है तब आप फॉर्म को कॉन्स्टेबल के भर सकते हैं। और यहां पर फॉर गोरखा एंड कैंडिडेट बिलोंग द सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अगर आप इन स्टेट से हैं तो आपकी 162.5 आपकी हाइट है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो गढ़वालीज के लिए यहां पर कितनी है, 165 है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर, और वेनिट्री कांस्टेबल के लिए, वेटेनरी जो है, जो पहले सर्व कर सकते हैं कभी भी, ऐसे ऐसे जो रेजिमेंट्स हैं पहले के, जिन्होंने पहले कभी सर्व किया है, मतलब किसी इंसान ने किसी और मिलिट्री के अलावा, जैसे आपके डिफेंस में आपने सर्विस की दी है, तो वेटर्न्स कहलाते हैं वो, उनके लिए कुछ स्पेशल क्या है, छूट दी गई है सर। यहाँ पर ये यह है ना, फॉर कांस्टेबल मतलब इस डिपार्टमेंट में, सर्विंग okay. वाले डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी निकली हुई है, ओके okay, okay. उसके लिए दे रखा है इन्होंने, कि मतलब आपने सही बताया कि इस डिपार्टमेंट में अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो आप मेल कैंडिडेट हैं तो 170 आपकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल, यहाँ फीमेल के लिए भी है, 157 आपकी हाइट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल की, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग, यहां पर एज रिलैक्सेशन दे रखा है, फिर से वही चीज। और अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, यहां पर फॉर कांस्टेबल कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, टेलर, गार्डनर है ना, और कॉबलर, पेंटर, वॉशरमैन, इनके लिए भी आपकी हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए 167.5 होनी चाहिए, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, इससे पीछे जो हमने पोस्ट पढ़ा था ड्राइवर, ये ड्राइवर केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है, लेकिन आप ये वेटरनिटी के लिए, या फिर आप यहाँ पर कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, टेलर, बेसिकली ये सर्विस है, जैसे कई मिलिट्री के अंदर कई पशु हैं, उनको चराया जाता है, तो उसके लिए जो कांस्टेबल रखे जाते हैं उनके लिए ये पोस्ट, बिल्कुल उनके लिए भी यहाँ पर हाइट क्राइटेरिया दे रखा है। और ये मेल फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं। मेन मुद्दे की बात ये कि गर्ल्स कौन सा फॉर्म भर पाएंगी, तो आप एक ये वाला कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन इनका भी सेम है, जो अभी मैंने आपको बताया कि एससी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, एक्स सर्विस मैन के लिए 3 साल का, ठीक है। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको बता दिया है, ये भी आपका सबका ही एज रिलैक्सेशन, तो हेड कांस्टेबल का भी यही है, एएसआई का भी यही है यहाँ पर है ना, पैरामेडिकल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर का भी यही है आपका। अब ये आपका एएसआई पैरामेडिकल में रिटन एग्जाम होगा, इसको भी एक बार सर हम लोग डिस्कस कर लेते बिल्कुल हैं, सर, रिटन एग्जाम होगा, कैंडिडेट डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, सबसे मतलब, पहले आपको पीएसटी देना होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा, जिसके अगर मेजरमेंट में आप सक्सेस हो जाते हैं तो उसके बाद में रिटन टेस्ट होगा।
विल हैव टू अपीयर इन द रिटन टेस्ट. वो जो बंदे पास हो गए वो रिटन टेस्ट में आएंगे, और रिटन टेस्ट में आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टू बी कंडक्ट थ्रू द डिफरेंट स्टेट्स या लोकेशन ऑफ इंडिया एज डिसाइडेड बाय द सीमा सुरक्षा बल. तो अलग अलग स्टेट्स में जो सीमा सुरक्षा बल डिसाइड करेगा उस हिसाब से आपको रिटन टेस्ट देना होगा. मतलब पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, वो भी अलग अलग सेंटर्स पे. अच्छा, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, और ये आपका 3 घंटे का होगा, ठीक है, 3 घंटे का, 150 नंबर का आपका होगा. 150 ही इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपका जनरल नॉलेज आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगा, और हिंदी या इंग्लिश में आपका चूज करना है. तो वही जनरल सिलेबस है सर, 3 घंटे का. एएसआई पैरामेडिकल की अगर हम बात करें, 3 घंटे का आपका पेपर है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें जीएस आएगी, मैथ्स आएगी, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, या फिर हिंदी में आप चूज कर सकते हैं. यहां पर आप देख सकते हैं कि पार्ट वन 50 नंबर के आपका पार्ट वन होगा, 100 नंबर का आपका पार्ट टू होगा. 50 नंबर में आपका ये चारों सब्जेक्ट आएंगे जो अभी हमने बताए, 100 नंबर का आपका टेक्निकल सब्जेक्ट होगा, है ना. टेक्निकल सब्जेक्ट इन द सेंस, जैसे आपने यहां पर अलग अलग पोस्ट के लिए मैंने अभी पीछे बताया, उसका मतलब आपको टेक्निकल के जो भी जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके रिलेटिव आपका 100 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन को 50% कम से कम लाने हैं, है ना, क्वालिफाई करने के लिए. एसटी एसटी वालों को कम से कम कितने लाने, 45%. कुल मिला के बात यह है सर कि अगर पेपर माना कि 100 नंबर का अगर पेपर है, 150 नंबर का पेपर है, तो 75 नंबर जनरल वालों को लाने ही लाने हैं पास करने के लिए. 150 का पेपर है तो आपको कितने लाने पड़ेंगे, 50% लाने पड़ेंगे. अगर आप कट ऑफ ऐसे हो गया कि सारे बच्चों ने पेपर दिया और मार्क्स कम हो गए तो किसी का सिलेक्शन नहीं होना, है ना, आपको मिनिमम कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 75. इन्होंने सीधा सीधा कह दिया है, और एससी वालों को 45% लाने, इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि फाइनल मेरिट जो होगी आपकी रिटन टेस्ट के ही अकॉर्डिंग होगी. मतलब फिजिकल एक तरीके से क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो फिजिकल क्वालिफाई करेगा वो रिटन टेस्ट के लिए आगे बढ़ेगा. आगे बढ़ते हम लोग यहां पर, और हेड कांस्टेबल के बारे में बताते हैं. तो हेड कांस्टेबल का भी आपका बिल्कुल जो चीजें अभी मैंने आपको बताया, आपका ये एएसआई पैरामेडिकल के लिए सेम 3 घंटे का पेपर है, 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन, 50 नंबर में 50 क्वेश्चन जो आएंगे जीके, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस या हिंदी के आएंगे, 100 नंबर का आपका टेक्निकल होगा. इसमें भी आपको जो है मिनिमम 50% क्वालिफाई करने के लिए चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, और 45% चाहिए एससी और एसटी कैंडिडेट्स को. साफ साफ लिखा है कि आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी वो रिटन के अकॉर्डिंग बनेगी. अब बात करते हैं एएसआई स्टेनो की. तो एएसआई स्टेनो में यहां पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट डिक्लेयर्ड क्वालिफाइंग, मतलब सेम चीज है कि पहले आपका पीईटी होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा. कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहां पर एएसआई स्टेनो की बात कर रहा हूं, ठीक है. अभी जो हमने पीछे बताया वो हेड कांस्टेबल और एएसआई पैरामेडिकल का बताया. अब हम एएसआई स्टेनो का, बहुत फॉर्म जो भरे जाएंगे वो इसी में भरे जाएंगे. बिल्कुल. और इसमें देखा जाएगा कि पहले तो आपको क्या करना है, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट देना है, वो क्वालिफाई होने के बाद रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. और रिटन टेस्ट में अगर देखा जाए तो 2 घंटे का पेपर है जिसमें 100 मार्क्स हैं, और इसमें एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश या हिंदी में से एक चूज करना है. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से ही यूआर के लिए, मतलब जनरल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, मतलब इसमें 100 नंबर का पेपर है, 100 ही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 50% आपका जनरल वालों को, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों को लाना जरूरी है, और एससी और एसटी के लिए 45% पास होने के लिए जरूरी है, ठीक है. यहां पर फाइनल मेरिट जो बनेगी आपका, वो आपके जो मार्क्स आएंगे रिटन टेस्ट में उसके अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि भाई जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो वो उन सबका सिलेक्शन हो जाना है, मेरिट बनेगी उसके बाद ही आपको. मेन चीज है, जाहिर सी बात है, स्टेनो है तो यहाँ पर एक स्टेनोग्राफर का टेस्ट होगा, जिसे स्किल टेस्ट कहते हैं, स्किल और टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि पहले स्टेनो होता है फिर टाइपिंग करनी पड़ती है. बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन अ कॉल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अप टू 15 टाइम्स, मतलब 15 गुना लोगों को सर सिलेक्ट किया, जो रिटन क्वालिफाई कर लेगा उसके 15 गुने, मतलब जितनी वैकेंसी होगी उसके 15 गुने बच्चों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है. यहां पर लिखा हुआ है सीधा फॉर स्किल टाइपिंग टेस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज स्पेसिफाइड अबव. इन द प्रोसेस सम कैंडिडेट थ्रू डिक्लेयर्ड क्वालिफाइंग इन रिटन एग्जामिनेशन बट डू नॉट प्लेस इन द लिस्ट प्रिपेयर्ड फॉर स्किल टेस्ट
विल नॉट बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। ठीक है, यहां पर सीधी सीधी बात यह कि जो भी रिटन क्वालिफाई करेगा उसको ही स्किल टेस्ट के लिए यहां पर बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये स्किल टेस्ट का इन्होंने दे रखा है स्किल ट्रेड टेस्ट विल बी 50 मार्क्स। यहां पर 50 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट होगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन विल बी 60%। स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। यहां पर आपका सीधा सीधा इन्होंने बोल रखा है कि 100 नंबर का आपका जो रिटिन होगा उसके बाद 50 जो रिटिन क्वालिफाइंग कर लेंगे 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और इसमें आपका 50 नंबर का ये होगा स्किल टेस्ट और इसमें आपको कितना है 60% आपको क्वालिफाई करने के लिए लाने पड़ेंगे और ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर। यहां पर सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। सब इंस्पेक्टर में भी रिटिन एग्जामिनेशन होगा और सेम प्रोसेस है, पहले फिजिकल होगा उसके बाद रिटिन टेस्ट के लिए आपको जो फिजिकल क्वालिफाई कर लेगा बुलाया जाएगा। यहां भी सेम है पहले की तरह, 50 नंबर में ये चारों चीजें आएंगी, 150 नंबर का होगा सब इंस्पेक्टर का और यहां पर 100 नंबर में आपका टेक्निकल सब्जेक्ट पूछा जाएगा। सेम 50% पास होने के लिए चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, 45% चाहिए एससी एसटी को। तो ये सारी जानकारी आपको हमें देनी थी और ये भी हमने आपको बता दिया कि कितना आपका किस एग्जाम में कितना पोर्शन का क्या चीज आएगी। अब आपके कोई डाउट हो, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता अब आपके कोई डाउट होंगे दोस्तों। तो अब अगर अब आपके कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं ताकि अगली वीडियो हम आपके डाउट्स को लेकर बनाएं। ठीक है, तो मेन मुद्दा यह था कि एक बार मैं आपको पूरा बता देता हूं, आपका कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 20 तारीख से, 18 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम डेट अभी आई नहीं है और टोटल 1656 पदों पर ये भर्ती है जिसमें आपकी कांस्टेबल की 543 और कांस्टेबल भी अनेक प्रकार के हैं और जिसमें आपकी फीमेल के लिए भी वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल की 914, एएसआई की कितनी है 88 और सब इंस्पेक्टर की कितनी है 111। तो अब दोस्तों अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट छोड़ सकते हैं तो आपके डाउट्स का रिप्लाई हम लोग करेंगे। अगली वीडियो में आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे जो चीजें आप कमेंट्स बॉक्स में पूछेंगे। तो ये जानकारी आपको देनी थी, आप सभी लोग इस फॉर्म को भर लीजिए। आप सभी चाहते हैं कि आपके भी तन पर वर्दी हो दोस्तों और सेना की वो भी, बिल्कुल, तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। मेल फीमेल दोनों के लिए भर्ती है, बड़ी भर्ती है तो मौका जाना नहीं चाहिए। कोई भी आपको और भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।